ब्रॉट टू यू बाय बिज एनालिस्ट बाय खाता बुक। कौन जीतेगा यूपी, इस सवाल के साथ विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। दो चरण के चुनाव हो गए हैं, अब लोगों की निगाह तीसरे चरण पर है। तीसरे चरण में एक सीट है जहां बीजेपी सपा नहीं बल्कि कांग्रेस के एक दिग्गज की साख दांव पर लगी है। नमस्कार, मैं हरिजत सिंह और यूपी तक आपको बताएगा कि यूपी चुनाव में कहां कहां किन किन सीटों पर दिग्गजों की दांव साख पर लगी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं फरुखाबाद जिले की सदर सीट की। ये सीट इसलिए हॉट है क्योंकि यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद चुनावी मैदान में, और उन्हें कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व नेता विजय कटियार टक्कर दे रहे हैं। अगर इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक 70,000 करीब मुस्लिम मतदाता है, 55,000 करीब ब्राह्मण मतदाता बताए जाते हैं, 23,000 करीब वैश्य मतदाता बताए जाते हैं, 25,000 करीब यादव मतदाता बताए जाते हैं, वहीं 50,000 के करीब दलित वोटर्स हैं। आंकड़ों का अपना गणित है लेकिन चुनाव में लोकल ही वोकल है। मतलब लोकल माहौल क्या है ये समझने के लिए हमारे सहयोगी फिरोज खान ने बात की वरिष्ठ पत्रकार अरुण कटियार से। इस पे भाजपा के कद्दावर नेता रहे धर्मदत्त द्विवेदी के बेटे मेजर सुनील दत्त द्विवेदी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद चुनाव लड़ रही हैं। तीसरा, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, सुमन मौर्या जी। इसलिए हॉट सीट है। हॉट सीट होने पर भी त्रिकोणीय संघर्ष में नहीं आ रही है सीट। त्रिकोणीय संघर्ष अभी नहीं हो पा रहा है, दिख नहीं रहा। सदर सीट से बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी को लेकर हमेशा चर्चा रही है। 2017 में बीजेपी ने बेटे सुनील दत्त को उम्मीदवार बनाया और वो जीत भी गए। पिछले तीन विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से 2007 में समाजवादी पार्टी जीती थी। वहीं 2012 में अगर बात करें तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता था। वहीं 2017 के चुनाव में यहाँ से बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं दिनेश अवस्थी। उनका कहना है कि मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है और ये दिलचस्प खेल देखने को मिल सकता है। फरुखाबाद सदर सीट हॉट सीट इसलिए आती है कि यहाँ पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिनकी हत्या हो गई थी, उनके बेटे सुनील दत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी सदर से प्रत्याशी हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद भी सदर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। इसलिए यहाँ पर जो मुकाबला है वो बहुत रोचक है। समाजवादी पार्टी से महान दल की प्रत्याशी सुमन शाक्य और बसपा के प्रत्याशी विजय कटियार हैं। संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच कड़ा है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि मतदान के दिन क्या होगा। अगर आंकड़ों को देखें तो लगता है कि इस बार सपा की वापसी हो सकती है। वहीं अगर स्थानीय पत्रकारों की माने तो मामला फिलहाल बीजेपी और सपा के बीच फंसता नजर आ रहा है। तो जैसा हमने आपको पहले बताया, फरुखाबाद विधानसभा सीट पर तीसरे फेज यानी 20 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे तो 10 मार्च को ही आने हैं। ये तो रही बात फरुखाबाद सदर सीट की। कौन जीत रहा है यूपी, ये बताने के लिए हम आपको हर जिले और हर अहम सीट की जानकारी देंगे। हम आपके लिए इतिहास खंगालेंगे, आंकड़े लाएंगे और बात करेंगे स्थानीय पत्रकार से। तो कौन जीत रहा है यूपी, ये जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।